हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। कैसे हैं सब? सभी को मेरा राम राम। और लास्ट मंडे मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि जयपुर गई थी, तो दो मंडे करूंगी इस बार। चार मंडे करते हैं ना, इस बार दो मंडे फास्ट रखूंगी, तो आज रखा है और एक आगे का कर लूंगी। तो बस देखो, पूजा वूजा करिए जल्दी फटाफट, फिर भी सवाना हो गए। और नाइशा की क्लास चल रही है, वो मोबाइल देख रही है, उसकी क्लास चालू करवाती हूँ, फिर मिलती हूँ डे में आप लोगों से। जो भी रहेगा आप लोगों को शो करती हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पे आन, ठीक है ना? चलो बाय बाय। नहीं, मैं तो अपना वीडियो देख रही हूँ। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। यस, आज मैं देख रही हूँ जोकर कैसा। ठीक है, आपको मैं अपना ये दिखाती हूँ। ये मेरा सुंदर सा है, ये मेरा टॉय नहीं, ये मेरा वो वाला टॉय है। पहले इसको ऐसे रोल कर देंगे ना, तो ऐसे खुद तो ऐसे नीचे आ सकता है। देखो इसको रोल करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो रोल हो रहा है ना, रोल देखते जाओ, रोल हो रहा है ना, रोल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हो गया ना, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नया सामान दिखाने वाली हूँ। ये देखो मेरा पर्स, इसको पहन के दिखाती हूँ आपको। रखता था के दिखाती हूँ। दोनों चांद सितारे, चांद सितारे, मैं हूँ उनकी नन्नी मम्मी, भोली भाली, भोली भाली। इन दोनों की मैं, इन दोनों की मैं क्या हूँ? राज, राज दुलारी हूँ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, देख रहे हो आप हम दोनों आइटमों को, माँ बेटी को। और ये देखो मेरा कैट वाला, मियाओ मियाओ। नाइशा आज कैट ही बन गई है, मियाओ मियाओ। हाँ बोलो मम्मी ना,
एक दूसरे के पास हो जाती है। अगर रात हो गई तो मम्मी के मतलब पापा के रूम में सो जाएंगे, तो पापा हमारे रूम में सो जाएंगे। तो मम्मी खाना बनाती है, पापा खाना नहीं बनाते, क्योंकि वो तो पूरे दिन मोबाइल देखते रहते हैं। और आयु भी अभी मोबाइल देखते रहता है। तो इसका नाइशू का ये है कि कुछ भी बोलो बस बोलो। और अगर मेरे टॉयज है पुतले तो मैं टॉयज क्यों नहीं होते, क्योंकि तो मेरे को टॉय से खेलना है इसीलिए नहीं होते। अब तो है मेरे टॉयज, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, पूरे घर में टॉयज ही टॉयज है नाइशा के, क्योंकि मैं उसको फरा देती हूँ। एक ये पड़ी है यहाँ डॉल मैडम, ये देखो भी दिखाएगी। ये मम्मी मेरे लिए कल मंगवाई थी, मम्मी ने मेरे लिए, जिसको नाइशा भूतनी बना चुकी है। तीन हम थ्री थ्री डॉल्स एक साथ, वाओ। थ्री डॉल बड़ी डॉल्स। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसको वीडियो को ऑन करने का मतलब ये था, और मम्मी ने लाइट लगा रखा, मैंने टिकटी वाला लगा, भाई नाइशा के कहने पे हमने भी हेयरबैंड लगाया। मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं। बस अब मैं बोलूँ? अब आपने बोल दिया, मैं बोलती हूँ, फिर आप बोल लेना। और फिर फ्रेंड्स चले जाएंगे, कोई वीडियो ही नहीं देखेगा हमारा। तो फ्रेंड्स मैं ये बोल रही थी वीडियो ऑन करके, ये तो शुरू हो गई और ये बंद नहीं होगी। तो नहीं सुन नीचे बेटा गंदी बात। तो मेन एक्चुअली मैं इस तरीके से हम इसीलिए आए सामने कि आप ब्लॉग्स, हम एक ब्लॉग्स बना रहे हैं। yes. वो भी मम्मी अगर ब्लॉग्स बनाते हैं तो मैं उनके साथ ब्लॉग्स बनाती हूँ, अगर मम्मी सर पढ़ते तो मैं भी उनके साथ सर पढ़ती हूँ। तो ये देखो तो इसीलिए देखो आज नाइशा ने हेयरबैंड पहना है तो मम्मी ने भी हेयरबैंड पहना है, मम्मी साड़ी पहनती है तो नाइशा भी साड़ी पहनती है, मम्मी मेकअप करती है तो नाइशा भी मेकअप करती है ना। तो फ्रेंड्स आप थोड़ी देर मेरे को बोलने दो, ठीक है? तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही थी कि यही रूटीन हो गया है, दिस इज द रियलिटी ना, यही रूटीन हो चुका है। क्या करें यानी क्या दिखाएं यार, क्योंकि जैसे मेरे तो दो दो बच्चे हैं, सुबह 9 से लेके 12 1 बजे तक तो इनकी क्लासेस, ऊपर से मेरी क्लासेस, ऊपर से घर का काम, ऑफ कोर्स मेरी हाउस हेल्पर करती है घर। हाँ, हाउस हेल्पर हमारी आती है, पहले देखा आंटी करती है, फिर रिंकू आंटी, फिर एक रिंकू आंटी बोलते हैं। अब आ रही है हमारी खुशबू, तो हमारी हाउस हेल्पर खुशबू है। खुशबू आ गई थी जो कि हमसे मिलने नहीं आई थी, काम करना आई थी। हाँ, तो खुशबू आती है हमारे यहाँ पे, काम वो कर जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद भी है ना बहुत काम होता है। तो डेली ब्लॉगिंग में तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि क्या और नया लेके आए, यानी सभी के साथ यही लाइफ हो गई है ना, कैसे इंटरेस्टिंग बनाए लाइफ को यार। फ्रेंड्स सजेस्ट कीजिए, बड़ा बोरिंग हो गया है कभी कभी, तो बड़ा तीनों डॉल्स कभी कभी तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है मेरा तो ब्लॉग बनाने का, कभी कभी मन नहीं करता कि क्या बनाऊं। और एक चीज और, हाँ सीरियस भी बात कर लेते हैं, नॉर्मल बात अलग है, ठीक है? ये तो हमारा रूटीन है, ये ऐसे ही खेल रही होती है पूरा दिन, इसीलिए मुझे लगा कि चलो कंटिन्यू नेक्स्ट डे का भी कंटिन्यू कर देती हूँ। मिक्स एंड मैच ब्लॉग्स है, आपने देखा सारे डेज के कुछ कुछ वीडियोस मैंने बना के हमेशा फोन में रख लेती हूँ, वो मिक्स एंड मैच ब्लॉग है आज का। बट दैट इज द रियलिटी, ये रियलिटी है हमारी ना, हम यही करते हैं, दिन में बच्चे ऐसे ही होते हैं, दिन के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो यही रूटीन हो गया है सभी का, तो वो तो एक अलग चीज है। बात करते हैं ब्लॉगिंग की, जो मैं बात कर रही थी कि ब्लॉगिंग में डेली ब्लॉगिंग अगर मैं करती हूँ तो मैंने देखा है कि व्यूज ही नहीं आते हैं, आप लोग व्यूज मिस पसंद नहीं करते हो, जो यूजली व्यूज आते हैं वो आते हैं लाइफ स्टाइल पे। साड़ी तो क्यों छा रही है सभी को, मैं चौटीज को बताऊंगा क्यों छा रही है, खैर साड़ी है और बाकी भी ट्रेवलिंग ब्लॉग्स हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या हम और नया ला सकते हैं, क्या कहीं पे लैकिंग हो रही है, कुछ कमी रह रही है, अगर कोई कमी रह रही है मेरी तरफ से तो प्लीज लेट मी नो, मैं बार बार आपसे पूछती आ रही हूँ। अब हमारी 500 प्लस फैमिली हो चुकी है ऑलरेडी, तो आई गेस काफी सारे सब्सक्राइबर्स तो ऑलरेडी हैं कि जो मुझे सजेस्ट कर सके कि क्या हम राइट पाथ पे जा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो सोचे ना फिर उस पर मैं भी सोचूं विचार करूं
कि क्या चेंज किया जाए, क्या मेहनत की जाए, किस चीज पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, या डेली ब्लॉगिंग को छोड़ के लाइफस्टाइल ही बनाया जाए, चैनल को चेंज करके लाइफस्टाइल चैनल ही कर दूं, तो क्या तो एग्जैक्टली हाँ कोई बात नहीं हट जाओ आप। तो इसीलिए बस मैं लाइव इस तरीके से अभी लाइव तो आ नहीं सकती, 1000 नहीं हुए, तो इसीलिए बेसिकली मैं आपसे बात करना चाह रही थी और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑन किया वीडियो कैमरा कि चलो इस तरीके से ही आपसे बातें कर लें। तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही जा रही हूँ और नहीं तो कहाँ पे नहीं, या क्या हम नया या कुछ ऐड कर सकते हैं हमारे ब्लॉग्स में और छोटी मियाऊ मियाऊ के साथ भी। तो प्लीज टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बटन और वो शेयर वाला बटन आप दबाना ना भूलना, और मेरे ब्लॉग को भी देखना, किचन वाले मम्मी के ब्लॉग को भी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बात करेंगे तो नॉन स्टॉप बातें बढ़ती चली जाएंगी। बाय बाय टाटा सी यू। जो मैंने